क्या तबाह हो जाएगा यूक्रेन? क्या होकर रहेगा परमाणु युद्ध? रूस के आगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की टेकेंगे घुटने? यह कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भयानक रूप ले सकता है। अब तक रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में जिस कदर तबाही मचाई है, उससे भी गंभीर तस्वीरें अब यहां से सामने आ सकती हैं। दरअसल इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐसा फैसला है जिसके बाद यूक्रेन के लिए रूस के हमलों से बचना मुश्किल हो सकता है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध की कमान अपने सबसे खूंखार जनरल को सौंप दी है। इस जनरल का नाम सरगेई सोविकिन है। रूस की सेना में उसके दोस्त जनरल आर्मी गार्डन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब तबाही लाने वाला जनरल है। जनरल सोविकिन को ऐसे ही नाम से नहीं पुकारा जाता है। सोविकिन अफगानिस्तान, चेचेनिया, ताजिकिस्तान और सीरिया में सैन्य अभियान में मुख्य किरदार निभा चुके हैं। वहां सोविकिन की निर्दयता के निशान आज भी देखकर लोग कांप जाते हैं। सोविकिन कितने खुखार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीबीसी ने रूसी एजेंसी तास के हवाले से उनका एक बयान छापा है, जिसमे जनरल कहता है कि एक मृत सैनिक के बदले 3 चरमपंथियों को मारा जाएगा। हाल ही में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल केर्च को उड़ाने के बाद रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी थी। इसके बाद अब दोनों देशों के बीच हालात और नाजुक हो गए हैं। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल सोविकिन को तोपखाने के इस्तेमाल का एक्सपर्ट माना जाता है। इसके साथ ही उनके पास रूसी एयरफोर्स को कमांड देने का भी अनुभव है। सीरिया में तैनातगी के दौरान अमेरिकी कमांडर भी उनकी सीधी सलाह लेते थे। जनरल सरगेई सोविकिन को रूस यूक्रेन युद्ध की कमान मिलने के बाद सबसे अहम सवाल यह है, क्या अब होकर रहेगा परमाणु युद्ध? पुतिन पहले भी यूक्रेन के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने परमाणु धमकी देने के बाद यहां तक कहा था कि दुश्मन देश इसे हल्के में ना लें। वहीं अब अपने खुखार जनरल को युद्ध की कमान सौंपने के बाद वह इस दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि किसी भी हाल में पुतिन यूक्रेन के साथ इस युद्ध को जीतना चाहते हैं।